नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली देहात के छावला वार्ड में। छावला वार्ड से एक नया चेहरा, युवा चेहरा सूर्यांश चौधरी पिछले कुछ दिनों में उभर कर सामने आया है। सूर्यांश छावला वार्ड से हैं, स्थानीय निवासी हैं और युवाओं में एक बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं छावला वार्ड के। आम आदमी पार्टी के जो तमाम बैनर पोस्टर हैं छावला वार्ड में, इन दिनों सूर्यांश चौधरी के देखे जा सकते हैं। आखिर आम आदमी पार्टी क्यों, सूर्यांश चौधरी का परिचय क्या है और आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर आखिर वो जनता की सेवा पे उतरे हैं, ये सब सवालात हैं। इन सवालों के जवाब लेंगे सूर्यांश चौधरी से। सूर्यांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी ही क्यों, चूँकि आप युवा हैं, आपने राजनीति में उतरने का सोचा, अब राजनीति में आप आ गए, आम आदमी पार्टी ही क्यों, इसका चुनाव कैसे किया? आम आदमी पार्टी की विचारधारा से हमारी विचारधारा मिलती है, तो हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए थे उस चीज़ से। अब जिस तरह आम आदमी पार्टी ने कार्य करके दिखाए हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, जो वादे करे गए थे वो सारे निभाए गए हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक था, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट करी गई है वो चीज़ें थी, नाली और सड़क जिस तरह से पक्की सड़कें दी जा रही, जो 15 वर्षों के अंदर कभी नहीं हुआ था, वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। जो हमारे क्षेत्र के अंदर भी छावला वार्ड के अंदर जिस तरह से पक्की सड़कें बनाई गई हैं, जिस तरह से काम करे गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर मैं बात करूँ छावला वार्ड की, निगम का जो कामकाज है उसको आप किस तरह से देखते हैं, छावला वार्ड की जो गलियां हैं उनमें साफ सफाई का क्या माहौल है, छावला वार्ड की जो जनता है वो किस तरह से देखती है नगर निगम के कामकाज को खासतौर पे? ये काम तो इस तरह पिछले नेताओं ने कुछ खास नहीं कर रखे। नालियां, अब मैं जिस तरह लोगों से मिलता हूँ, हर बार उनके पास जाता हूँ, सब बहुत परेशान है कि उनकी नालियाँ बैक मार रही हैं, उनके घर के सामने इसे बार पूरे ऐसे खुल जाते हैं, पानी बह रहा है, तो सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उस चीज़ से और सब यही चाहते हैं कि नालियाँ साफ़ हो, और नालियाँ अब साफ़ नहीं करवाई जा रही और पूरी गलियों के अंदर कूड़ा है, कचरा है, साफ़ सफाई का कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो अब इसी उस पर अब हम अपनी तरफ से पूरे इसके अंदर अब नए नए अभियान चलाएंगे, जिसके अंदर हम नाली भी साफ़ करवाएंगे, हम पूरा कूड़ा कचरा भी उठवाएंगे, तो बस अब इसी उस पर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन को लेके देश में इन दोनों माहौल है, वैक्सीन लगाई जा रही हैं, मेरे ख्याल आपने भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की है इलाके में ताकि जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन लगवा सकें, समय पे अपने घर पहुंच सकें, जिनके पास गाड़ियां या कोई ऐसा माध्यम नहीं है यातायात का वो लोग जा सकें कोविन जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और वापस आ सकें, इस तरह की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली सरकार द्वारा फ्री वैक्सीनेशन लगवाई जा रही है ये डिस्पेंसरीज में, यहाँ पर भी छावला डिस्पेंसरी में लगवाई जा रही है। तो उसके अंदर हमने ये प्रयास करा है कि हमने अपनी तरफ से ई रिक्शा लगवाए हैं, 4 ई रिक्शा ले रखे हैं जो लोगों को घर से पिक करेंगे और वहाँ पे घर टीकाकरण करवा के वापस घर पे ड्रॉप करेंगे। तो दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जी 60 वर्ष से ऊपर सबको लगाई जा रही है अभी फ़िलहाल, पर 2 अप्रैल से 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको लगाई जाएगी। तो हम बस अभी से इसके अंदर प्रयास कर रहे हैं कि जब तक 45 वर्ष वाला हो तब तक हम 60 वर्ष को कंप्लीट कर ले, और 2 अप्रैल तक हम अभी तक यही टारगेट कर रहे थे कि हम सारे जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीच कर पाएँ और उनको उनका टीकाकरण करवा पाएँ, और 2 तारीख से फिर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम 45 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सबको पहुँचा सकें वहाँ पर, उनका टीकाकरण करवा सकें, बस अभी इसी प्रयास में लगे हुए हैं जी। सूर्यांश, आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR की तरफ से। थैंक यू सो मच। सूर्यांश चौधरी बताते हुए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है, आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं उनसे ये प्रेरित हुए, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और अब जनता के प्रति समर्पित हैं, छावला वार्ड की जनता के लिए जितना जो काम हो पाएगा अपनी तरफ से करने के लिए कृत संकल्पित हैं। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।